हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़। ये 9 और 10 अगस्त 2020 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चन है। PDF अवेलेबल है विद नोट्स डिटेल में इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, या आप इसे वीडियो खत्म होने से ठीक पहले मेरे बगल में डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ लिंक आ जाएगा, फ्री में है। ये पहला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और थोड़ा सा डिटेल में बताऊँगा इसके बारे में। क्वेश्चन होगा, केंद्र सरकार ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत कितने रक्षा उपकरणों के विदेश से आयात पर प्रतिबंध लगाने का ऐलान किया है, कितने तरह के रक्षा उपकरणों से। आंसर होगा 101। देखिए, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं तो उन्होंने 9 अगस्त को ये जानकारी दी है, ट्वीट करके ऐलान किया है। तो सवाल उठता है कि इम्पोर्ट कब से बैन होगा। 2020 के दिसंबर महीने से ये लागू हो जाएगा, मतलब इनमें से जो 101 आइटम है उनमें से कुछ पर तो अभी दिसंबर में ही लागू हो जाएगा इंपोर्ट पर बैन, और कुछ पर आगे आने वाले वर्षों में लागू होगा, मतलब कि वर्ष 2024 तक पूरी तरह से 101 आइटम पर बैन लगाने का ये तैयारी की गई है। और सिर्फ 101 ही नहीं है, आगे हो सकता है कि इसमें कुछ और लिस्ट बढ़ जाए, कुछ तरह के और सामान। तो इससे क्या फ़ायदा होगा, इंडियन जो डिफेंस सेक्टर है, जो इंडियन कंपनियाँ हैं, सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, भारतीय, उनको 4 लाख करोड़ रुपए का बिजनेस मिलेगा आने वाले वक्त में, और इससे एम्प्लॉयमेंट इंडिया में ही जनरेट होगा। तो 101 इक्विपमेंट है, तो देखिए इनमें आर्टिलरी गन है, कन्वेंशनल सबमरीन है, मिसाइल डिस्ट्रॉयर है, क्रूज मिसाइल है, लाइट कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट है, सैटेलाइट है, बेसिक ट्रेनर एयरक्राफ्ट है, मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है, बहुत तरह के रडार हैं। तो इसमें जैसे कुछ हथियार के बारे में आपको मैं बता दूँ, इंपॉर्टेंट बात है, जैसे आर्टिलरी गन, तो बेहतरीन आर्टिलरी गन जो है वो DRDO ने तैयार किया है, मतलब हम रूस या अमेरिका से या स्वीडन से वो सब हम नहीं खरीदेंगे। इसके अलावा बात करें अगर कन्वेंशनल सबमरीन की, यानी पनडुब्बी की, कन्वेंशनल का मतलब हुआ कि नॉन न्यूक्लियर सबमरीन। दरअसल न्यूक्लियर सबमरीन बनाने में काफ़ी टाइम लगता है और उसके लिए काफ़ी रिसर्च की ज़रूरत पड़ती है, तो कन्वेंशनल जो सबमरीन है वो बनाना शुरू कर चुके हैं, चुकी है इंडियन कंपनी। जैसे प्राइवेट कंपनी की बात करें तो L&T डिफेंस जो है वो इस काम में लग चुकी है और सबमरीन बनाने में उसने महारत हासिल की हुई है। लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट जैसे तेजस है, जो रशियन एयरक्राफ्ट है सुखोई SU-30 MKI, तो अब भारत में ही बनता है और उसको बनाता है हमारा HAL ने रूस से लाइसेंस लिया हुआ है, तो इंडिया में बनाता है। तो इस तरह के बहुत सारी चीज़ें हैं, तो हम ये सब खुद ही बना सकते हैं। लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर है वो बना सकते हैं, बुलेट प्रूफ जैकेट्स हैं, और ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट भी यहीं पर बनेंगे। हम कई बार कनाडा, रसिया या USA से परचेज करते हैं, तो वो सब अब परचेज नहीं करेंगे। तो क्यों ज़रूरी है ये स्वदेशी हथियार, या हम बैन क्यों लगा रहे हैं इम्पोर्ट पर। देखिए, सबसे पहले जानना जरूरी है क्या ज़रूरत है हमारी। दो नेबर कंट्री हैं, पाकिस्तान और चाइना, जिससे हमारा टेंशन चलता रहता है, तो उनके एग्रेशन का रिस्पांस देने के लिए हमारी मिलिट्री को हमेशा प्रिपेयर रहना चाहिए, और इसी वजह से हम ज़्यादातर जो डिफेंस इक्विपमेंट है वो इम्पोर्ट करते हैं, बाहर से मंगवाते हैं। बहुत सारी इसमें विदेशी मुद्रा यानी फॉरेन रिजर्व हमारा खर्च हो जाता है, और प्रॉब्लम यह है कि अब तक हमारा जो डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग जो सेक्टर है वो प्रॉपरली डेवलप नहीं हुआ है। हमारी जो कंपनियां हैं, चाहे सरकारी या प्राइवेट, वो उतने बेहतरीन हथियार नहीं बना रही है जितना हम जो हम विदेश से इम्पोर्ट कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ सवाल ये भी उठता है कि विदेश से हम कितना खरीदते हैं ये हथियार। देखिए, दरअसल भारत जो है उन देशों में शामिल है जो दुनिया में सबसे अधिक हथियारों का आयात करता है। हम अभी भी, आज भी डिपेंड करते हैं फॉरेन कंट्री पर, जैसे रशिया, इज़राइल, USA, कनाडा, स्वीडन और फ्रांस, इन सब जैसे देशों पर। और आपको बताऊं, पिछला जो रिकॉर्ड रहा है 2015 से 2019 के बीच में, विदेशों से हथियार आयात करने के मामले में भारत का नंबर जो है वो सऊदी अरब के बाद दूसरा स्थान था पूरी दुनिया में, इंपोर्ट करने के मामले में सेकेंड स्थान। और दुनिया भर के कुल जो आर्म्स इंपोर्ट में भारत का हिस्सा 9.2% है, मतलब तो दुनिया भर में जो इम्पोर्ट होता है एक देश से दूसरे देश में, उनमें से 9.2% भारत ही ले रहा था। तो इसी से आप अंदाज़ा लगाइए कि भारत अपनी रक्षा ज़रूरतों को पूरा करने के लिए दूसरे देश पर कितना निर्भर है, और इसी निर्भरता को कम करने के लिए फैसला लिया गया है। तो अगले 5 साल में डिफेंस इक्विपमेंट पर कितना खर्च होने का अनुमान है,
ये भी देख लेते हैं। देखिए स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट है यानी सिपरी, जो कि डिफेंस रिलेटेड जो भी रिसर्च होते हैं वो सब पेश करता है, तो उसका ये अनुमान है कि अगले 5 साल में यानी 2025 तक भारत में $130 बिलियन खर्च करेगा डिफेंस पर। भारत जो है खर्च करेगा कितना, तो 10.25 लाख करोड़ रुपए, और इसमें S-400 रफाल इन सब का पेमेंट भी होना है, तो वो सब जोड़ के मैं बता रहा हूँ जो सिपरी की रिपोर्ट है। तो इंडियन डिफेंस सेक्टर में बहुत ज़्यादा खर्च होने वाला है, पहले भी होता रहा है लेकिन अब आगे चूँकि चुनौतियाँ ज़्यादा मिल रही हैं चीन से पाकिस्तान से, तो हम ज़्यादा खर्च करने वाले हैं। तो हम कोशिश ये कर रहे हैं कि इनमें से बहुत सारे जो हथियार हैं वो हमारे देश में ही बने, और इससे क्या फ़ायदा होगा कि फॉरेन एक्सचेंज यानी फॉरेन जो रिज़र्व है वो बचेगा, विदेशी मुद्रा बचेगी, डॉलर भारत में ही रहेगा, और देश के लोगों को रोज़गार भी मिल सकेगा। देखिए दरअसल जब भी हम किसी देश से मिलिट्री इक्विपमेंट लेते हैं तो एक तो हम दो चीज़ देते हैं, एक तो क्रेडिबिलिटी देते हैं, दुनिया में मैसेज आता है कि भारत की इतनी बड़ी जो सेना है वो उनके हथियार पर एक तरह से भरोसा कर रही है, और दूसरी बात यह है कि हम एक तो फॉरेन एक्सचेंज भी देते हैं, विदेशी मुद्रा भी देते हैं, और वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट भी देते हैं, उस देश में एम्प्लॉयमेंट भी होता है। ओके, तो अब ये सब चीज़ें जो है अब भारत में करने की योजना है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, इसी से रिलेटेड है। रक्षा मंत्रालय ने अगले 6 से 7 वर्षों में घरेलू इंडस्ट्री को कितनी रकम के ठेके देने की योजना बनाई है? आंसर होगा लगभग 4 लाख करोड़ रुपए। ओके, रक्षा मंत्री ने ट्वीट करके ये कहा है कि रक्षा मंत्रालय ने अगले 6 से 7 साल में घरेलू जो इंडस्ट्री है, डोमेस्टिक इंडस्ट्री है, उनको 4 लाख करोड़ रुपए के ठेके दिए जाएंगे। तो एक बार देख लेते हैं कि देश में सरकारी और प्राइवेट वो स्पेशलाइज जो कंपनियां हैं जो डिफेंस हथियार बनाती हैं वो सब कौन कौन सी है। तो सबसे पहले सरकारी डिफेंस कंपनियाँ हैं, स्टेट रन जो डिफेंस कंपनियाँ हैं उन सब के बारे में जान लेते हैं। तो पहला है भारत डायनेमिक्स, वो इम्यूनेशन और मिसाइल सिस्टम बनाने का काम करता है, बहुत इंपॉर्टेंट। दूसरा है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, वो अवियानिक्स यानी एयरक्राफ्ट के जो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स होते हैं वो बनाने का काम करता है। भारत अर्थ मूवर्स है, वो ट्रांसपोर्ट रिलेटेड जो सामान है जैसे ट्रक, हेवी तोप ले जाने वाले जो व्हीकल्स हैं ये सब बनाने का काम करता है। DRDO है, वो मिसाइल सहित बहुत तरह तरह के इक्विपमेंट्स, रडार इन सब बनाने का काम करता है। गोवा शिपयार्ड है जो कि शिप बिल्डिंग का काम करता है, जहाज़ बनाने का काम करता है नेवी के लिए। HAL है जो कि एयरक्राफ्ट बनाता है जैसे तेजस, सुखोई SU-30 MKI जो रूस से लाइसेंस मिला हुआ है सुखोई बनाने का, तो वो बनाने का काम करता है। मझगांव डॉक लिमिटेड है जो शिप बिल्डिंग का काम करता है, जो नेवी के लिए जहाज़ बनाता है ये भी। मिश्र धातु निगम है जो कि तोप के बैरल समेत बहुत सारी मजबूत चीज़ें बनाने का काम करता है। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड है जो डिफेंस इक्विपमेंट बहुत तरह तरह के वो सब बनाता है। कोचिन शिप यार्ड है जो कि शिप बिल्डिंग का काम करता है। ओके, अगर प्राइवेट फर्म की बात करें, प्राइवेट डिफेंस कंपनीज़ की, तो उनके बारे में देख लेते हैं। तो L&T हेवी है जो कि अंडर वाटर प्लेटफॉर्म बनाने का काम करता है, नेवल इंजीनियरिंग का काम करता है, कन्वेंशनल सबमरीन में इसको महारत हासिल है। ओके, सबमरीन मतलब पनडुब्बी बनाने में, तो भारत की ये कंपनी है। टाटा पावर SED है, ये टैंक अपग्रेडेशन का काम करता है, वेपन सिस्टम, एयर डिफेंस सिस्टम, कमांड पोस्ट ये सब बनाने का काम करता है। अगला है रिलायंस नेवल एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड, ये कंपनी है बनाने का काम करती है नेवल से रिलेटेड सामान, हालांकि ये पूरी तरह से कई बार नेवी का जो है वो ऑर्डर पूरा नहीं कर पाई है। अगला है महिंद्रा, वो आर्म्ड व्हीकल, बॉर्डर सिक्योरिटी सॉल्यूशन, रडार सिस्टम ये सब बनाने का काम करता है। अगला है महिंद्रा एयरोस्पेस, ये एयरवैन 8 और एयरवैन 10 एयरक्राफ्ट के बहुत सारे इक्विपमेंट बनाता है और कई काम आते हैं। इसके बाद है कल्याणी स्ट्रेटजिक वो सिस्टम्स लिमिटेड, वो आर्टिलरी सिस्टम, आर्म्ड फाइटिंग व्हीकल, मिलिट्री व्हीकल्स वो सब बनाने का काम करता है। भारत फ्रॉग है, वो SUV बनाता है आर्मी के लिए। अडानी एयरो डिफेंस सिस्टम एंड टेक्नोलॉजी है, तो ये सब जो है ये कंपनियां हैं। और इसके अलावा आने वाले वक्त में चूंकि सरकार ने एक तरह से प्रमोट किया है कंपनियों को, देश के ही कंपनियों को चाहे सरकारी हो या प्राइवेट, तो हम लोगों को देखने को मिलेगा बहुत सारी और कंपनियां आएंगी और तरह तरह के हथियार बनाने का काम करेगी और एक तरह से एक्सपोर्ट करने का भी काम करेगी। तो एक अच्छा कदम है गवर्नमेंट का, गवर्नमेंट की ओर से। चलिए इस मुद्दे पर काफ़ी लंबा हो गया,
मुझे लगता है पूरी बात आप समझ चुके होंगे। इसका डिटेल नोट्स भी हमने दिया हुआ है, जो पीडीएफ अवेलेबल है उसमें डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, और 2020 का जनवरी टू जुलाई तक का भी करंट अफेयर्स है, तो देख सकते हो आप। 2019 का भी करंट अफेयर्स पीडीएफ मिल जाएगा आपको। अगला क्वेश्चन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पीएम यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कितने करोड़ रुपए की एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड ये 9 अगस्त 2020 को लॉन्च किया उन्होंने? आंसर होगा 1,00,000 करोड़ रुपए। ओके, तो क्या है ये एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड? देखिए, जो फंड है वो कोरोना वायरस के संकट के प्रभाव को कम करने के लिए सरकार ने एक तरह से जारी किया है, और जो आपको पता होगा कि 20,00,000 करोड़ रुपए का जो एक राहत पैकेज का ऐलान किया था सरकार ने, तो उसी का ये एक हिस्सा है। ओके, एग्री इंफ्रा फंड, शॉर्ट में कहेंगे इसको एग्री इंफ्रा फंड। तो इसकी अवधि जो है वो साल 2029 तक यानी अगले 10 साल के लिए है, और एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड जो फाइनेंसिंग कैपेसिटी इसके पास होगी, ये फंड देगा, उधार देगा कृषि बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को बनाने के लिए, सब्सिडी भी इसके तहत दिया जाएगा, लोन दिया जाएगा। देखिए, पहले से जो किसान और इससे जुड़े हुए इंडस्ट्री हैं जिनको सब्सिडाइज लोन मिल रहा है, तो वो सब काम जो है अब ये एक तरह से इस फंड के थ्रू करा जाएगा, और उसका नाम कर दिया गया है एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। मतलब इस तरह के काम पहले से चल रहे थे, लेकिन सबको मिलाकर एक फंड का नाम दे दिया गया। इस फंड से होगा क्या, गांव-गांव में बेहतरीन आधुनिक जो कोल्ड स्टोरेज की चेन बनाने की तैयारी है इसके थ्रू, और रोजगार देने की भी तैयारी है। हालांकि कहने को तो 1,00,000 करोड़ रुपये का है, लेकिन इस साल केवल 10,000 करोड़ भी लोन मिलेगा किसानों को, इस फाइनेंशियल ईयर की बात कर रहे हैं 2020-21 में। ओके, तो और जो वित्तीय संस्थाएं हैं उनके द्वारा ये सब दिया जाएगा, तमाम उद्यमियों को, एग्रीकल्चर जो उद्यमी हैं उनको, स्टार्टअप्स को दिया जाएगा, एग्री टेक से जुड़े हुए जो लोग हैं उनको दिया जाएगा। तो मौजूदा वित्तीय वर्ष में 10,000 करोड़, फिर अगले 3 वित्तीय वर्षों के दौरान 30,000 करोड़ रुपए का लोन वितरित किया जाएगा। मतलब अब मान लीजिए 10,000 करोड़ रुपए सालाना, तो एक तरह से बड़ा नाम देने के लिए 1,00,000 करोड़ रुपए बोल दिया गया और एक बड़ा फंड की बात कह दी गई। ओके, लेकिन इस साल 1,00,000 करोड़ रुपए नहीं रिलीज हो रहा है, इस साल केवल 10,000 करोड़ रुपए रिलीज हो रहा है, तो ये ध्यान रखना आप। अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत करीब 8.5 करोड़ किसानों के खातों में 2,000 रुपये की छठी किश्त के लिए कुल कितनी रकम जारी की गई है? आंसर होगा 17,000 करोड़ रुपए। ओके, ये किश्त जो है वो किसानों के खातों में तुरंत ट्रांसफर कर दी गई है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, दुनिया के सबसे शक्तिशाली रॉकेट SN5 स्टारशिप के प्रोटोटाइप को किस अंतरिक्ष कंपनी ने टेस्ट किया है? आंसर होगा SpaceX। SpaceX ने ये 4 अगस्त 2020 को इस प्रोटोटाइप को लॉन्च किया। देखिए, वैसे तो आप मेरे बगल में देख रहे हो, मात्र ये 500 फीट की ऊंचाई तक गया, उतना ही भेजा जाना था, और उसके बाद ये इसको सेफली लैंड करा लिया गया, लेकिन ये प्रयोग सफल हुआ। तो सवाल उठता है कि क्या है ये स्टारशिप? देखिए, स्टारशिप जो है एक तरह का स्पेस क्राफ्ट होगा आने वाले वक्त में, और ये काफ़ी लोड लेकर ट्रेवल कर पाएगा। SpaceX जो है वो ऐसा एक स्पेस शिप बनाने की तैयारी कर रहा है, काम कर रहा है, जो अर्थ ऑर्बिट में यहाँ से इस महादेश से उस महादेश में, या मून तक या मार्स तक जो है क्रू और कार्गो को ले जा सके। और इसके लिए SpaceX जो है दुनिया के सबसे ताकतवर यानी मोस्ट पावरफुल लॉन्च व्हीकल तैयार कर रहा है, रॉकेट तैयार कर रहा है। इसकी क्षमता कितनी होगी? तो अर्थ ऑर्बिट में 100 मेट्रिक टन यानी 1,00,000 किलोग्राम ले जाने की क्षमता होगी। और हमारे साइंटिस्ट का सपना जो है मार्स तक जाने का है, ह्यूमन मिशन लेकर जाने का है, और सोलर सिस्टम को और पूरा जो रहस्य है ब्रह्मांड का उसको भी जानने का है, तो इसके लिए बहुत ही पावरफुल जो है वो रॉकेट चाहिए। तो SN5 स्टारशिप का प्रोटोटाइप ये जो है प्रयोग किया गया, ये स्टेनलेस स्टील का बना हुआ था, हो सकता है कि आगे देखने को मिले इसके डिज़ाइन में काफ़ी चेंजेस मिले। अच्छा, इसको अफोर्डेबल बनाने का भी काम चल रहा है। ओके, अफोर्डेबल मतलब हम अफोर्ड कर सकें जाने में, बहुत ज़्यादा महंगा ना हो। अभी बहुत सारे जो स्पेस मिशन है वो इसलिए रोक दिया जाता है क्योंकि बहुत महंगा होता है। और आपको बता दूं कि SpaceX की जो योजना है वो 2022 तक मार्स तक यानी मंगल ग्रह तक कार्गो मिशन भेजे जाने की है, और 2024 तक वो मनुष्य को, ह्यूमन को भेजने की उसने योजना बनाई हुई है, तो इसीलिए ये SN5 स्टारशिप बनाने का काम चल रहा है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, विश्व आदिवासी दिवस कब मनाया जाता है?
इंग्लिश में कहते हैं इसे इंटरनेशनल डे ऑफ वर्ल्ड्स इंडिजिनस पीपल्स। आंसर होगा 9 अगस्त। और इस साल की थीम क्या थी? तो COVID-19 एंड इंडिजिनस पीपल्स रिजिलियंस। ओके, देखिए सेंसस 2011 की बात करें, भारत में कितनी आबादी है आदिवासियों की, तो करीब 12 करोड़ रहते हैं, और ये टोटल जो आबादी है उसके 8.6% है। और पूरी दुनिया की बात करें तो 476 मिलियन आदिवासी पूरी दुनिया में रहते हैं, जो पूरी दुनिया का 6% ये हिस्सा है। अगला क्वेश्चन, बिहार पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? आंसर होगा इसका 9 अगस्त। देखिए इस दिवस पर जल जीवन हरियाली मिशन के तहत धरती को बचाने का संकल्प एक तरह से लिया गया है और पौधारोपण कार्यक्रम चलाया गया। पूरे बिहार में 2.51 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया। ओके, और इस साल की ये पृथ्वी दिवस की थीम क्या है बिहार पृथ्वी दिवस की? तो क्लाइमेट एक्शन। ओके, तो बिहार की बात हो रही है, गवर्नर कौन है? फगु चौहान। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है? आंसर होगा इसका 7 अगस्त। देखिए 1905 में 7 अगस्त के दिन ही देश में स्वदेशी आंदोलन जो है शुरू किया गया था, और इसलिए इस दिन को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के रूप में चुना गया। अगला क्वेश्चन लेते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन की 78वीं वर्षगांठ कब मनाई गई? आंसर होगा 8 अगस्त 2020। ठीक है, देखिए महात्मा गांधी ने 8 अगस्त 1942 को मुंबई में अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के सत्र के दौरान भारत छोड़ो आंदोलन की इतने शुरुआत की थी, और भारत छोड़ो भाषण में ही करो या मरो का उन्होंने नारा दिया था महात्मा गांधी ने, तो उसी दिन की याद में ये दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 अगस्त 2020 को राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र का उद्घाटन किया, तो ये केंद्र कहाँ पर स्थित है? आंसर होगा दिल्ली। ओके, और इसकी स्थापना की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 अप्रैल 2017 को ही की थी, लेकिन अब ये तैयार हो गया है और 8 अगस्त 2020 को अभी हाल ही में इसका उद्घाटन किया गया, और इसमें स्वच्छता से जुड़े हुए अभियान और प्रयास के तमाम बातें इसमें बताई गई हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं, PNB हाउसिंग फाइनेंस के नए MD और CEO कौन बनाए गए हैं? आंसर होगा हरदयाल प्रसाद। वो कंपनी के जो मौजूदा अभी जो अंतरिम प्रबंध निदेशक और CEO हैं नीरज व्यास, तो उनकी जगह लेंगे, 10 अगस्त को वो ज्वाइन कर रहे हैं, यानी आज ही। अगला क्वेश्चन होगा, किस सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी लागू की है? देखिए कुछ वक्त पहले इसको लॉन्च किया गया था, अब ये लागू हो गया है। आंसर होगा दिल्ली सरकार। इसके तहत क्या होगा? तो जो नई इलेक्ट्रिक कार होंगी उसके रजिस्ट्रेशन और रोड टैक्स को माफ़ कर दिया जाएगा इसके तहत, और 1.5 लाख रुपए का प्रोत्साहन राशि भी उसके लिए दी जाएगी। तो इलेक्ट्रिक वाहनों पर फेम इंडिया फेज 2 नामक केंद्र सरकार का भी एक योजना चल रही है, उसके तहत भी प्रोत्साहन राशि मिलती है, लेकिन ये दिल्ली सरकार की कुछ ये अलग पॉलिसी है। तो दोस्तों ये था इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, कैसा लगा ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में। आपके कमेंट्स मैं देखता रहता हूँ, भले ही मैं हर कमेंट्स का जवाब ना दे पाऊँ, लेकिन देखता ज़रूर हूँ। ओके, और इसी वजह से तमाम जो बदलाव होते हैं इस वीडियो में अलग अलग तरीके के, तो वो सब आपको देखने को मिलते हैं, सुधार देखने को मिलते हैं। और हाँ, इस वीडियो का जो PDF है वो अवेलेबल हो गया है, मेरे बगल में डाउनलोड का लिंक है, क्लिक कीजिए डाउनलोड कर लीजिए, या आप इसे वीडियो के डिस्क्रिप्शन से भी डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में और भी कई तरह के PDF अवेलेबल हैं, 2020 के अब तक के हैं, 2019 के भी हैं, तो भी आप ले सकते हो। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया ज़रूर करना, साथ में बेल आइकन दबाना मत भूलना।